बोलो। नया बच्चन नहीं देखा ना, नहीं एडवांस सिर्फ अपना लाइन एडवांस वाला हाँ है। नमस्कार, मैं गोविंद काबरा आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 10 से 11th की तरफ एंटर करने वाले स्टूडेंट्स और उनके पालकों के लिए आज का हमारा ये विशेष वेबिनार करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा ये वेबिनार है, राइट? आमतौर पर 10वीं से 11वीं जाते समय पालकों के मन में कई प्रश्न होते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से मिल जाए। यद्यपि कोई प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है तो प्रेजेंटेशन के एंड में आप जरूर हमको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और डेफिनेटली हम आपको आपके प्रश्नों के उत्तर देके सहायता करेंगे। तो चलिए बिना विलंब हम आगे बढ़ते हैं करियर गाइडेंस वेबिनार में। आज के इस वेबिनार में बिना डरे करियर को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं हम बिना कंफ्यूजन के, जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए, जिन्होंने निर्णय ले लिया है आईआईटी करने का, नीट करने का, लॉयर बनने का, सीए बनने का, उन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। नंबर 3, जो कोचिंग क्लास आप अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करने वाले हैं उसमें कौन से फैक्टर्स आपने देखना चाहिए। और नंबर 4, हमारी संस्था अद्वैत एकेडमी डीएफसी का 11वीं और 12वीं का जो डिवीजन है वो अद्वैत एकेडमी के नाम से जाना जाता है। तो अद्वैत एकेडमी किस तरह से अपने बच्चों को अपने करियर में सफल होने के लिए हेल्प करती है, ये 4 प्रमुख मुद्दों पर हम लोग आज बात करेंगे। फियरलेस सिलेक्शन, बिना डरे करियर में आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। अब ये बिना डरे मैं क्यों बोल रहा हूं आपको बार बार, देखिए डर अपनी कार्यक्षमता को कमजोर कर देता है, अपनी कार्यक्षमता डर की वजह से घट जाती है, मेहनत करके भी ज्यादा आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये डर को कैसे भगाए हम लोग, डर को भगाने के लिए हमारी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा विश्वास बहुत दृढ़ होना चाहिए, विश्वास अपने आप में, विश्वास भगवान पर, विश्वास सुपर पावर पर। क्योंकि एक बात आप झुठला नहीं सकते, ये जो सुपर पावर की तरफ से हमें जो मिला हुआ ब्रेन और बॉडी है इसकी क्षमता अनलिमिटेड है, राइट? विज्ञान ने ये साबित कर दिया है, इस पर बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है कि हमारे मन का जो पोटेंशियल है, हमारे ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। इस पर जितनी बात कहूं उतनी कम है, लेकिन मैं यहाँ पर आज के इस वेबिनार में इस विषय पर बहुत समय इसलिए नहीं दूंगा। आई विल सजेस्ट यू टू रीड वन गुड बुक, रेडी स्टडी गो। रेडी स्टडी गो नाम की किताब है जो लर्निंग से संबंधित, जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी बातें हमारे ब्रेन के मदद से हम उसका फायदा उठा सकते हैं के अच्छी डिटेल में मालूमात देने वाली किताब है, राइट? ऑनलाइन अवेलेबल है, आप परचेस कर कर पढ़ना चाहिए ये किताब, रेडी स्टडी गो। ये किताब के ऑथर है आदरणीय दिनेश जी घोड़के और आदरणीय खुर्शीद जी बाटली वाला, दोनों भी आईआईटी से पास आउट इंजीनियर्स है और ये आज दोनों भी आर्ट ऑफ लिविंग के, श्री श्री रविशंकर साहब के आर्ट ऑफ लिविंग के यूथ डायरेक्टर है और बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे ऑथर है। इनकी किताब आप सब ने अगर पढ़ ली तो मुझे पूरा विश्वास है अपने मन से डर चला जाएगा, राइट? नंबर 2, पावर ऑफ ट्रेनिंग। अभी कुछ वर्षों पहले मैं थाईलैंड गया था, राइट? मैंने वहां पर डॉल्फिन का शो देखा, डॉल्फिन्स का। डॉल्फिन्स को कभी किसी ने पूछा है आपको रिंग खेलना अच्छा लगता है क्या, छोटे बॉल से खेलना अच्छा लगता है क्या, बड़े बॉल से खेलना अच्छा लगता है क्या,
डॉल्फिन के शो जब मैंने देखे इतने एक्यूरेसी के साथ बिना मिस्टेक बिना मिस्टेक बिना एक बार भी एक भी डॉल्फिन ने गलती नहीं की रिंग घुमा के डांस करते समय या वो रिंग में से परफेक्ट जंप लगाते समय। क्या है सब ये है पावर ऑफ ट्रेनिंग। अगर डॉल्फिन देखो दो एस्पेक्ट है यहाँ पर आदरणीय पालकों और प्यारे बच्चों अगर बच्चे अगर आज होंगे यहाँ मेरे हिसाब से जवाहर नवोदय विद्यालय के कई विद्यार्थी अभी भी स्कूल में है राइट सिर्फ पालक जुड़े हम लोगों से कोई बच्चे होंगे तो बच्चों के संदर्भ में जो फाइनल आउटपुट है किसी भी प्रोसेस का चाहे पढ़ाई का हो कोचिंग का हो एग्जाम का रिजल्ट हो इसके दो महत्वपूर्ण पार्ट है एक ट्रेनिंग और एक है प्रैक्टिस। तो वो जो ट्रेनिंग दी गई डॉल्फिन और डॉल्फिन से जो प्रैक्टिस करवाई गई जबरदस्त उसका ही आउटपुट मिला। डॉल्फिन के नो डाउट डॉल्फिन का ब्रेन भी अच्छे से डेवलप है लेकिन डॉल्फिन से भी अच्छा ब्रेन ऊपर वाले ने सुपर पावर ने आपको और मुझे दिया है। वी आर ह्यूमन बींग्स राइट। तो डॉल्फिन को अगर ICM ट्रेनिंग दे सकते हैं तो इंसान को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसलिए अपने आप पर और इस शिक्षण व्यवस्था पर आपको विश्वास करना पड़ेगा और वो ट्रेनिंग लेकर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आउटपुट निश्चित ही अच्छी तरह से आएगा। बात सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी मराठी संस्कृत पढ़ने की नहीं है इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र पढ़ने की नहीं है। उसके साथ साथ हमारा एटीट्यूड हमारा एप्टीट्यूड ये बहुत मैटर कर रहा है। मेरा आज तक पिछले 3 वर्षों में जितने भी करियर के संदर्भ में मैंने लेक्चर्स दिए वेबिनार लिए सेमिनार लिए हर जगह में आदरणीय हनुमंतराव जी गायकवाड़ का एग्जाम्पल ये महाराष्ट्र में देता ही देता हूं। हनुमंतराव जी गायकवाड़ एक ऐसा व्यक्तिमत्व है भारत विकास ग्रुप BVG ग्रुप के ये मैनेजिंग डायरेक्टर है राइट ये BVG ग्रुप के चेयरमैन है मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्होंने अपना डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने के बाद टेलको में जॉब किया। अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि साफ सफाई या मेंटेनेंस के काम में करियर बहुत अच्छा बन सकता है तो शायद आप में से कोई भी तैयार नहीं होगा बोलेंगे सर पागल वाले कहीं बोला है अगले का। लेकिन मैं आपको बता दूं इसी क्षेत्र में हनुमंतराव जी ने अपने देश में करीबन 80,000 से 85,000 लोगों को नौकरी दी है। मुझे बताइए अगर 80,000 से 85,000 लोगों की नौकरी देने की क्षमता वाला करियर हनुमंतराव जी का है तो करियर अच्छा है या खराब है। 110% अच्छा ही है। क्यों इतने लोगों का इतने लोगों के परिवार जो व्यक्ति चला रहा है वो खुद के परिवार को तो निश्चित ही सुखी रख पाएगा राइट। मतलब जितना भी जो भी अगर आर्थिक रूप से भी देखूं तो निश्चित उनकी आय अच्छी होगी। अब ये 85,000 लोगों को जिनको नौकरी दी है कम से कम 500 उनके रिश्तेदार होंगे कम से कम 5,000 लोग अपने बिरादरी के होंगे कम से कम 50,000-60,000 अपने देश के पूरे समाज के अलग अलग जाति धर्म के हर राज्य के होंगे कम से कम 10,000-11,000 लोग पूरे विश्व में फैले वाले होंगे क्योंकि उनका कारोबार सिर्फ इंडिया के सीमित नहीं है पूरे विश्व में फैल रहे हैं। तो करियर क्या होता है फिर करियर तो यही होता है कि मैं अपने ज्ञान का उपयोग करके कुछ ऐसा काम करूं जिससे खुद को स्ट्रांग बनाऊं अपने परिवार को खुश करूं गौरवान्वित करूं अपने समाज के काम करूं और जिस देश में इस अच्छी व्यवस्था की वजह से इस डेमोक्रेसी की वजह से मैं काम कर पाया उस देश को और स्ट्रांग करूं। यही तो अच्छा करियर होता है। फिर अच्छे करियर की परिभाषा क्या होती है और इससे ज्यादा तो हनुमंतराव जी का जो एटीट्यूड था जो दृष्टिकोण था जो एप्टीट्यूड था उसके वजह से आज उनका इतना अच्छा करियर बना। न कि कॉलेज न कि कोचिंग क्लास राइट हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है लेकिन सबसे बड़ी बात होती है आपकी पर्सनैलिटी आप कैसे सोचते हो आप समाज के बारे में देश के बारे में कैसे सोचते हो और कैसा निर्णय लेकर खुद के लिए समाज के लिए देश के लिए काम करते हो। फील्ड मैटर नहीं करती। साइंस कॉमर्स आर्ट्स किधर भी जाइए अच्छा करियर हो सकता है राइट। मैटर करता है आपका एटीट्यूड आपका एप्टीट्यूड। मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा
ये एटीट्यूड के साथ यदि आप जीवन में आगे बढ़ते हो, विश्वास कीजिए कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कॉलेज हो, आपका एटीट्यूड अगर सही है तो आपका करियर 110% अच्छा ही होगा। बस एक ही चीज दिमाग में रखना, मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा, राइट, मैं ऐसा इस तरीके से काम करूंगा कि मुझे, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को मजा आ जाए, मेरे पे गर्व महसूस करे मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा देश। ये बात अगर आप जहन में फिट करके काम करते हो तो यकीन मानिए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। बात सिर्फ हनुमंत राव जी की नहीं है, कई लोग प्रश्न पूछते हैं सर कि हम ये अच्छा करियर करने के लिए देश छोड़ के जाना पड़ेगा क्या, देश के बाहर अच्छा पढ़ाई होती है, यहाँ कम होती है क्या? एब्सोल्युटली नहीं। मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूँ, हमारे जालना से ऐसे हजारों लोग हैं जो जालना में रहकर पूरे विश्व में अपना व्यवसाय फैला चुके हैं, उनको अपना घर दार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आदरणीय श्री सुनील भाई जी रायदट्टा का एग्जाम्पल, विनोद राय इंजीनियर्स बोलकर इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं इनके बारे में। आज जालना में अपने घर परिवार के साथ रहकर सुनील भाई 50 से ज्यादा देशों को मशीन सप्लाई करते हैं, मशीन एक्सपोर्ट करते हैं, पानी की टंकी बनाने वाली मशीन का निर्माण ये भाई करते हैं और 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट है, मतलब देश को परकीय चलन मिल रहा है। भाई अपने परिवार के साथ रहकर परिवार की, समाज की सेवा कर रहे। चालना के प्रति जो भाई का अपना प्रेम है, जिस गांव में छोटे से बड़े हुए उस गांव का भला करने के लिए भाई छूट चुके हैं। क्या चाहिए आपको करियर में? और अपना घर, अपना परिवार, अपना समाज, अपना गांव, अपना देश, राइट, यही तो करियर होता है। तो इसके लिए राइट दृष्टिकोण, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड महत्व का है। इतनी बात अगर आपने ध्यान में रख ली तो यकीन मान लीजिए आपको किसी भी परिस्थिति में किसी भी रीजन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हेंस दीज आर द थिंग्स विच यू शुड इनकल्केट फॉर फियरलेस सिलेक्शन ऑफ करियर। अब करियर ऑप्शंस को लेकर हर एक के मन में बात आती है। ये यहाँ पर कुछ पॉपुलर करियर ऑप्शंस है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, कॉमर्स, लॉ, गवर्नमेंट सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। इसके अलावा भी कई क्षेत्र है। देखिए आज के इस सेमिनार में अगर मैं सारे क्षेत्रों के सारे कोर्सेज की मालूमात दूंगा तो 4 घंटे भी कम होंगे और आप याद भी नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे सुदर्शन सर एक लिंक भेजेंगे आपको, यदि आप उस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको आपके ईमेल आईडी पर, आपके व्हाट्सएप नंबर पर हम एक करियर के संदर्भ में की एक बुकलेट, केंद्र सरकार ने बनाई वाली, वो बुकलेट का पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। सो दैट आपको अलग अलग कोर्सेज की मालूमात मिल जाएंगी और उसमें से किसी पर्टिकुलर कोर्स या किसी पर्टिकुलर फील्ड की अगर आपको और डेप्थ में मालूमात चाहिए तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको अभी चैट में सबको भेजा जाएगा, उस हेल्पलाइन नंबर पे यदि आप मैसेज कर देते हो तो आपको किसी भी क्षेत्र की जो डिटेल मालूमात चाहिए वो सारी मालूमात आपको हमारे साइड से दी जाएगी, राइट। तो आप उस बात का ध्यान रखें तो करियर ऑप्शंस हो। लेकिन एक चीज यदि आप देखेंगे ना तो आज 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जितने भी कोर्सेस में एडमिशन दिए जाते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी भी नौकरियां दी जाती है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा ही दी जाती है। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी ये जितनी अच्छी कंपनीज है ये एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर ही नौकरी देती है। मतलब मेरे सामने आज जिन बच्चों के पालक बैठे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि बच्चों को 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना करना ही होगा। तो बहुत आवश्यक बात है कि हम इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, राइट। अब ये तैयारी कैसे करें वाली जो बात है, राइट, उसको क्रैक करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आईआईटी जेडब्ल्यू वाली एग्जाम हो, नीट वाली एग्जाम हो, एमएचटी सीईटी वाली एग्जाम हो, एनडीए नाटा वाली एग्जाम हो, यूपीएससी वाली एग्जाम हो, ये एग्जाम के बारे में ऐसा बोलते हैं कि प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क आर
the keys to all great achievements. लेकिन मेरे 35 साल के टीचिंग करियर में मैंने ऐसे हजारों बच्चे देखे हैं जो 12-12, 15-15 घंटा मेहनत करके भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाए. क्यों? क्योंकि मेहनत का जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है. जब मैं मेहनत के डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो आदरणीय पालकों, आप एक बात समझ के लीजिए, ये डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहली से लेकर दसवीं तक हमारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते आए हैं स्कूल में, राइट, पहली से लेकर दसवीं तक हमारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में एग्जाम देते आए हैं, वो एग्जाम के पैटर्न का नाम है सब्जेक्टिव एग्जाम, राइट. सब्जेक्टिव एग्जाम क्या होती है? 2 लाइन में आंसर लिखो, 4 लाइन में आंसर लिखो, 8 लाइन में आंसर लिखो. ये परीक्षा का स्वरूप ऐसा है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहो चाहे ना रहो, मैं अगर रट्टा मार लेता हूं या 2-3 बार क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर देता हूं तो एज इट इज लिख दूंगा, और एज इट इज लिख दूंगा तो मुझे 90%, 95%, 98% आसानी से मिल जाते हैं. लेकिन जिस परीक्षा का सामना कर स्पर्धा परीक्षा का इन बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा या गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी की, वो एग्जाम का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव पैटर्न, जिसमें तुम्हारे थिंकिंग स्किल्स बहुत मैटर करते हैं. मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे लॉजिक लगाता हूँ, मैं निर्णय कैसे लेता हूँ और गिवन टाइम में कैसे आंसर लाने का निर्णय लेता हूँ, इस पर मेरा सक्सेस अवलंबन होता है. रट्टम पट्टी करने वाले ऐसी परीक्षा में कहीं पर भी टिक नहीं सकते. और यही एक कारण है जहां देश में 5-5 लाख बच्चों को दसवीं में तो 90% के ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से 50,000 लोग भी IIT या नीट के स्पर्धा में अच्छी तरह से टिक नहीं पाते, जबकि 90, 94, 97, 98, 99% मार्क्स से बोर्ड एग्जाम में. नंबर वन. नंबर टू, बोर्ड एग्जाम का पैटर्न का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है? सॉल्व एनी 4 out of 6, सॉल्व एनी 2 out of 3, 7 पैकी 4 सोडवा, 2 पैकी 1 सोडवा, 4 पैकी 2 सोडवा. अशा पद्धतीच्या पॅटर्न मुळे विद्यार्थी जेव्हा अभ्यास करतात तिथे एक सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम येतो. एखादी संकल्पना जर क्लिअर नसेल तर विद्यार्थी काय करतात, हे देवा हा प्रश्न परीक्षेत येऊ देऊ नको. पर समजा आणत जरी मी ऑप्शन मध्ये टाकून दिली, मतलब नॉलेज के लिए पढ़ने के बजाय मार्क्स के लिए पढ़ने का एटीट्यूड बच्चों का बढ़ जाता है. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी लाइन से कोई भी वर्ड से क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहली सूचना होती है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता चाहिए तो 100% प्रिपरेशन फॉर 100% सक्सेस. 90% करके भी 0% मार्क्स आ सकते, 90% करके भी आप फेल हो सकते हो, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न ही ऐसा है. एक चैप्टर में 500-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, लेकिन एग्जाम में एक ही आने वाला होता है. कौन सा आएगा सिर्फ भगवान को पता होता है. ऐसे परिस्थिति में परीक्षा अलग स्वरूप की है और पहली से दसवीं हमने अलग स्वरूप से बच्चों को बड़ा किया है. तो अगर मैं इसको अगर साधी भाषा में समझाऊं, मी पहिली ते 10वी मुलांना स्विमिंग साठी तयार केलं आणि 11वी 12वी मी तर सांगतो सायकलिंग मध्ये तुला पहिला नंबर आणायचा बेटा. तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि पहिली से 10वी आदतें लगाई सब्जेक्टिव एग्जाम्स और 11वी 12वी का देना कौन सी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम. लेकिन अब भगवान को धन्यवाद देते हैं, नई शिक्षा नीति के हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है. लेकिन जो बच्चे आज 10th में है उनको तो ऑल ऑफ अ सडन अभी मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 40% क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पैटर्न के आने वाले हैं. जिस प्रकार के प्रश्न IIT नीट में आएंगे उस प्रकार के प्रश्न 40% क्वेश्चन 10वीं बोर्ड में और 30% क्वेश्चन 12वीं बोर्ड में एक साल से वैसे आएंगे. और आने वाले समय में हर बच्चे को 5वीं से लेकर 10वीं तक इसी पैटर्न पर पढ़ना होगा, कॉम्पिटिटिव पैटर्न पर. इसलिए कहा मेहनत तो इन बच्चों ने भी की बोर्ड एग्जाम में 95-98 लाने की, लेकिन मेहनत सब्जेक्टिव पैटर्न पे की, जबकि रिक्वायरमेंट कौन सी है ऑब्जेक्टिव पैटर्न की रिक्वायरमेंट है. तो इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस,
सिर्फ हार्डवर्क मैटर नहीं करता है, आप उस टाइप के परीक्षा में प्रश्न आते हैं जिस टाइप के, उस टाइप की प्रैक्टिस करना होगा, उस पैटर्न पर पढ़ाई करना होगा जिसपे तुम्हारी सोचना विकसित होगा, जिसपे तुम्हारा इमेजिन लेने का पावर विकसित होगा, जिसपे तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, और ओवरऑल डेवलपमेंट के बिना आप इस स्पर्धा परीक्षा में टिक नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते, आगे के पॉइंट देखते हैं। ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर ने ये बच्चों को 100% पढ़ाई कराने के लिए हमने बच्चों को कुछ चार्ट्स बना के दिए, जिसमें रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कितने क्वेश्चन कब सॉल्व किए, कितने राइट आए, कितने रॉन्ग आए, और उसके डाउट सॉल्व करके लिए नहीं लिए, 100% पढ़ाई करने के सारे स्टेप्स मैंने हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए फॉलो किए या नहीं किए, इसको वेरीफाई करने वाला, इसको हिसाब रखने वाला एक चार्ट हमने हमारे बच्चों को डेवलप करके दिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन इस पार्श्वभूमि पे बहुत मैटर करता है, बराबर है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको बोलते बोलते कहा कि प्रैक्टिस के लिए एक चैप्टर पे 300 से 500 क्वेश्चन है, और एग्जाम में उसमें से एक या दो आने वाला है। जेडब्ल्यू मेंस 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 बायोलॉजी, 25 मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स 30 से लेकर 35 है। मतलब आया एकाधे चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, एक नीट 30 से 35 चैप्टर, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर से ज्यादा ज्यादा दो या तीन क्वेश्चन। 300 से 500 प्रैक्टिस करने पर अगर 10 तक का भी गलत हुए मेरे, 30 या 50 क्वेश्चन गलत हुए, हम क्या सोचते हैं, 90% सही हो गए, मेरी 90% पढ़ाई हो गई और 90% पे नंबर लग जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन बाबा, एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे एक चैप्टर से, एक या दो, तुम्हारे गलत कितने हुए, 30 से 50, और वो 30 से 50 में से एक या दो आ गए तो आपके 90% राइट आकर भी फाइनल एग्जाम में उस चैप्टर के लिए आपके मार्क्स कितने हो गए, जीरो। इसलिए स्पर्धा परीक्षा में 90% पढ़ाई करके भी आपके जीरो मार्क्स आ सकते हैं। तो 100% पढ़ाई करना मतलब मेरे जितने गलत हुए 30, 50 या जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो दोबारा मैंने टीचर लोगों से समझा के लेना चाहिए। सारे कोचिंग क्लासेस, सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, सब टीचर अच्छे हैं, सब बच्चों को बोलते नहीं कराना तो विचारना पाइज, पर कितने लोग पूछते हैं भाई साहब, 100 में से एक या दो ही लोग डाउट पूछते हैं, बाकी लोगों के दिमाग में खरगटे विचार होते हैं, बाकी लोग का हस्तील सर रागवतील सर अन्ना काय वाटेल याला एवढे येत नाही का, खरगटे या विचारांशी प्रेरित असलेले ते सगळे विद्यार्थी बिचारे 10वी 12वी बोर्डात 95-98% तर घेतात, पण स्पर्धा परीक्षेत कुठंच टिकत नाही। अशा परिस्थितीमध्ये आमच्या संस्थेने एक हेल्पलाईन सिस्टम डेव्हलप केलेली आहे। बाबा तुला प्रश्न आहे, तुला डाउट आहे, विचारायची हिम्मत नाही ना, काही प्रॉब्लेम नाही, आमच्या हेल्पलाईन नंबर वरती एक मेसेज कर, मेसेज केल्यानंतर तुला विचारायची गरज नाही, आमचे शिक्षक किंवा आमचे काउन्सिलर तुला बोलतील आणि आमचे टीचर तुला समजावून सांगतील। नंबर वन। नंबर टू, फिजिकल मेंटल फिटनेस के बिना ये स्पर्धा परीक्षा में टिकना बहुत मुश्किल है। आमतौर पर हम माँ बाप को जब मिलते क्या सुनते हैं, सर मध लेकर परीक्षेत ना सिली मिस्टेक्स खूप करतात बाबा। सर सिली मिस्टेक म्हणजे काय हो, सर 2×3 ते 5×6 ऐवजी म्हणजे ते बेरीज करून आला गुणाकार करायच्या ऐवजी, एवढी साधी गोष्ट सर किती मोठी सिली मिस्टेक आहे, तर ही सिली मिस्टेक त्याने खूप केली सर काय करावं याला। आदरणीय पालकांना अशा ज्या मिस्टेक्स आहेत त्यांना सिली मिस्टेक म्हणण्याची चूक तुम्ही करू नका, हे सिली नाही हे ब्लंडर आहे, येत असून जर चुकत असेल तर ही मिस्टेक सिली नाही, ही मिस्टेक ब्लंडर आहे, ब्लंडर, बरोबर आहे? आणि हे कशामुळे घडत असेल तुम्हाला काय वाटतं, मुलांना येत नाही का, येत तरी चूक, कारण त्यांचा मन तिथं विचलित झालेला असतो। हा प्रॉब्लेम कॉन्सन्ट्रेशनचा आहे, हा प्रॉब्लेम फिटनेसचा आहे, म्हणून आयुष्यभर प्रत्येक विद्यार्थ्याने प्रत्येक माणसाने शिकण्याचं वय गर्भसंस्कार ते अंतिम संस्कार असत, म्हणून इथं जे बसलेले जे पालक आहेत तेही आज विद्यार्थी आहे, तो विद्यार्थी दशेमध्ये गर्भसंस्कार ते अंतिम संस्कार
म्हणजे शेवटच्या श्वासापर्यंत आपण शिकत असतो, आपण विद्यार्थी असतो. तर अशा परिस्थितीमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याने ज्याला नेहमी शिकायचंय त्याने फिजिकल मेंटल फिटनेस साठी दिवसातन 45 मिनिट ते 1 तास दिलंच पाहिजे. दुनिया इधर से उधर हो जाए, फिजिकल मेंटल फिटनेस के बिना सफलता मिल नहीं सकती. मिल भी गई तो उस सफलता का आप आनंद में, खुशी में, हैप्पीनेस में कन्वर्शन नहीं कर पाएंगे. आदरणीय पालकों और प्यारे बच्चों, तो फिजिकल मेंटल फिटनेस को भी आपने ध्यान देना चाहिए. आपको मैं एक बात बताऊं, जिस प्रकार की स्पर्धा है, ये प्रॉपर ब्रेन को यूज करना, अच्छी टीम, असेसमेंट रेक्टिफिकेशन करने वाली संस्था, ये कोचिंग क्लासेस को सिलेक्ट करने वाले काफी महत्वपूर्ण फैक्टर्स है. अब जिस पार्ट पर हम काम कर रहे हैं, स्पर्धा किस लेवल की है, ये समझ के लेना बहुत जरूरी है. आदरणीय पालकों, कॉन्सेप्ट मेरिट का नहीं चलता है आप परीक्षाओं में, कॉन्सेप्ट रिलेटिव मेरिट का चलता है. बाबा 90, 92, 95% मार्क जेव्हा दहावी बोर्डात पडतात आपण काय म्हणतो, माझा मुलगा मेरिटोरियस आहे. परंतु भाऊ 95% येणारे 60,000 मुलं आहेत आणि जागा तिथं फक्त 15,000-16,000 आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये 95% मार्क मिळूनही जर नंबर लागलेला नसेल तरी तुमचा तो मेरिट त्या स्वप्नाला पूर्ण करण्यासाठी अपुरा आहे. म्हणून आता मेरिटचा नव्हे तर रिलेटिव्ह मेरिटचा विचार करायला पाहिजे. रिलेटिव्ह मेरिटची संकल्पना मी तुम्हाला समजावून सांगतो. उदाहरणासाठी मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगचे उदाहरण देतोय तुम्हाला, पण अशाच प्रकारचे आकडे UPSC, MPSC, NDA, बँकिंग, CA फाउंडेशन, IPCC, CA मेन ग्रुप, कोणत्याही क्षेत्राची परीक्षा घ्या, स्पर्धा परीक्षा, आकडे असेच आहे. असेच म्हणजे काय, आता लेटेस्ट मध्ये 2022 मध्ये इंजिनिअरिंग एंट्रन्स IIT साठी JEE मेन्स ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या होती, हे शासनाने डिक्लेअर केलेले आकडे माझे नाही बरं का, 9,05,590 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. IIT ला जागा किती हो, 16,234. हिशोब लावा, 2% कमी जागा आहे. 2% म्हणजे 100 मुलं जर परीक्षा देत असतील तर त्यापैकी 2 जणांना IIT मध्ये प्रवेश मिळणार आहे, बाकीच्यांना मिळणार नाही. नेक्स्ट मेडिकल पॉप्युलर 17,64,571, 17,64,571 स्टूडेंट्स अपियर्ड फॉर नीट एक्झाम 2022. गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट दोन्ही मिळून जागा किती आहे भारतात, 91,927. म्हणजे 100 लोकांनी परीक्षा दिली तर 5 लोकांना मेडिकलला ऍडमिशन मिळणार आहे. अनेक पालकांना वाटतं काय ही जीवघेणी स्पर्धा आहे, स्पर्धा कधीच जीवघेणी नसते. ज्याची तयारी चांगली झाले तो म्हणतो काही प्रॉब्लेम नाही, आय एम ओके विथ दिस. ज्याची तयारी कमी असते तो म्हणतो स्पर्धा जीवघेणी असते. ह्या स्पर्धेची तीव्रता समजण्यासाठी मी तुम्हाला अजून एक उदाहरण देतो. समजा काही 5-25 मुलं एक परीक्षा देऊन बाहेर पडले बोर्डाची. 2 मुलं आले, बाबा पेपर खूप हार्ड होता, परीक्षकाने अक्षरशः जीव घेतला हो, आधीच ते प्रॉब्लेम आणि त्यात ही भानगड. एका मिनिटाने दुसरे 2-5 मुलं आले, आई पेपर खूपच सोपा होता, एकही मार्क जाऊ शकत नाही, केलं तर जास्तीत जास्त 1 जाईल बस. बाबा पेपर तोच. एक मुलगा म्हणतो खूप सोपा आहे, एक म्हणतो खूप अवघड आहे. मग नेमकं पेपर सोपा आहे का अवघड आहे? पेपर कधीच सोपं राहत नाही, पेपर कधीच अवघड राहत नाही. पेपरची तुम्ही तयारी कशी केली, परीक्षेची तुम्ही तयारी कशी केली, ते ठरवतं तुमच्यासाठी ते पेपर अवघड असणार आहे का सोपं असणार आहे.
तुमच्यासाठी स्पर्धा काही हाताचं मळ आहे का स्पर्धा जीव घेणी आहे. तयारी महत्वाची आहे. या तयारीमध्ये अजून काही महत्वाचे मुद्दे आहेत जे मी तुम्हाला एका मिनिटात समजून सांगतो आणि नंतर मग प्रश्न उत्तर बघू आपण. या तयारीचा एक फार महत्वाचा भाग आहे लाईफ स्किल्स. आदरणीय पालोको हा कन्सेप्ट काय लाईफ स्किल्सचा. या अशा प्रकारच्या परीक्षेद्वारे सरकार आता प्रवेश का देते. आधी तर बोर्डाच्या मार्कांच्या आधारावरती मेडिकल इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन व्हायचे. कारण ही ज्या लेवलची परीक्षा आहे ही परीक्षा फक्त ज्ञान तपासत नाही. तुम्ही त्या ज्ञानाचा उपयोग कसा करू शकता, तुम्ही पेशन्स कसे आहेत तुमच्यामध्ये, विपरीत परिस्थितीमध्ये तुम्ही कसे वागता. पहिलाच प्रश्न एकदम हार्ड आला आणि तुम्ही जरा गांगरले तर पुढच्या प्रश्नांचं व्यवस्थित सामोरे जाता का नाही जाता. तुम्ही डिफिकल्ट टाइम मध्ये अचूक निर्णय घेण्याची क्षमता आहे का तुमची, पाहिजे त्या वेळेच्या आत प्रश्न सोडवण्याची तुमच्यात क्षमता आहे का. अशा अनेक प्रकारच्या सवयी आणि स्किल्स या खूप महत्वाच्या आहेत. आणि जर तुम्हाला अशा पद्धतीच्या स्पर्धेचा सामना करायचा असेल तर स्ट्रेस मॅनेजमेंट, टाइम मॅनेजमेंट, रिलेशनशिप मॅनेजमेंट, मॅनेजमेंट ऑफ आवर इमोशन्स. वर्गात सरांनी झापलं म्हणून मी रागात आलो आणि दिवसभर डोकं फिरलं माझं, दिवसभर ते लक्ष दिलं नाही, बाकी सरांनी काय वडील किती जीव तोडून माझ्याशी बोलतायत, तो दिवस वाया गेला आणि माझ्या डिफिकल्टीज मध्ये अजून 20 डिफिकल्टीज वाढल्या. कारण मी माझं चित्त जागेवर न ठेवल्यामुळे दुसऱ्या सरांनी चांगलं शिकून सुद्धा मला कळालं नाही. तर माझं भावनिक संतुलन आहे का नाही आहे. अशा अनेक लाईफ स्किल्स या अशा प्रकारच्या स्पर्धांना सामना करणे महत्वाचं असतं. येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे मागच्या 2 वर्षापासून गांधी फाउंडेशन सेंटरमध्ये 11वी 12वीच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही या लाईफ स्किल्सचे पण धडे देतो. महिन्यातनं 1 किंवा 2 सेशन अशा प्रकारच्या लाईफ स्किल्स वरती आम्ही कंडक्ट करतो. येणाऱ्या 5 मे मध्ये 15 दिवस आम्ही योगा प्राणायामचा कॅम्प घेणारे 11वी 12वीचे बघा. जेवढ्या महत्वाचा फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायो शिकवणं आहे ते तर करणारच चांगल्या पद्धतीने. ते आता कोणीही व्हेरीफाय करू शकतं आणि आता सगळ्यांकडे त्यासाठी यंत्रणा चांगली आहे, टेक्नॉलॉजीचा वापर सगळेच करतायत, चांगली अंदाज पाहतोय. पण DFC अद्वैत अकॅडमी त्याच्या पलीकडे एक पाऊल टाकत आम्ही लाईफ स्किल्सच्या कोर्सेसचं एक कॅलेंडर देणार सगळ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, जे आमच्याकडे 11वी 12वीला प्रवेश घेतील अशा सर्व विद्यार्थ्यांना 11 एप्रिल पासून जे आमच्या बॅचेस सुरू होत आहेत, बॅच सुरू व्हायच्या आधीच तुम्हाला पुढच्या 6 महिन्याचं कॅलेंडर मिळेल. काय मे महिन्यामध्ये योगा प्राणायाम 15 दिवस, जून मध्ये टाइम मॅनेजमेंट वरती लेक्चर, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज, जुलै मध्ये स्ट्रेस मॅनेजमेंटचं लेक्चर, ऑगस्ट मध्ये इमोशनल मॅनेजमेंट ऑफ इमोशन्स लेक्चर, अशा पद्धतीचा एक टाइम टेबल ऍडव्हान्स मध्ये. आणि तसं तुम्हाला शिकण्याची संधी, ओव्हरऑल तुमच्या सर्वांगीण विकास या गोष्टीत 2 फायदे होतील. एक, अशा प्रकारच्या स्पर्धेसाठी तुम्ही परिपूर्ण व्हाल. आणि शेवटच्या क्षणावरती थोडक्यात जरी तुमची गाडी हुकली तर तुम्हाला दुसरे चांगले पर्याय स्वीकार करता येतील बिना टेन्शन मध्ये, बिना डिप्रेशन मध्ये जाता. आणि ह्या स्किल्स कशा आहेत, त्या स्किल्सच्या मदतीने आयुष्यात नव्हे, परीक्षेतच नव्हे तर जीवनात यशस्वी होण्यासाठी मदत होईल. मग कोणत्याही कॉलेजमधून कोणतीही डिग्री मिळू देत. जर तुमच्याकडे निर्णय घेण्याची क्षमता आहे, जर तुम्हाला भावनांचं नियोजन करता येतं, जर तुम्हाला वेळेचं नियोजन करता येतं, तुम्हाला स्ट्रेस मॅनेज करता येतं, टाइम मॅनेज करता येतं, तर मग तुम्हाला आयुष्यात कुणीही यशस्वी होण्यापासून थांबवू शकत नाही. कोणत्याही कॉलेजची कोणतीही डिग्री असू दे, शिकण्याची प्रवृत्ती पाहिजे, अटिट्यूड चांगला पाहिजे. हीच गोष्ट सुरुवातीपासून सांगत आलेलो आहे, हीच गोष्ट आत्ताही रिपीट करतोय. तर आमची संस्था अशा प्रकारच्या लाईफ स्किल्स वरती पण काम करते. आमची संस्थाचे मागच्या वर्षीपर्यंत 9 ब्रांचेस होत्या, आता 11 ब्रांचेस आहे. 11वी 12वी साठी ऑफलाईनला 1च ब्रांच आहे औरंगाबाद, ऑनलाईन मध्ये अख्ख्या भारतातून विद्यार्थी शिकतात. आमच्याकडे 11वी 12वीला सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स तिन्ही डिव्हिजन्स आहेत. 11 तारखेपासून सायन्स डिव्हिजनचे 11 एप्रिल 2023 पासून सायन्स डिव्हिजनचे सगळे कोर्सेसला सुरुवात करतायत. त्या डिव्हिजनमध्ये
आयआयटीची बॅच वेगळी, नीटची वेगळी, एमएसटी सीटीची वेगळी, एनडीए आर्किटेक्चर केव्हीपीवाय परीक्षा बंद झाली, पण रिसर्चच्या दृष्टिकोनातून बॅच इन्स्पायर स्कॉलरशिपची बॅच, कॉमर्स मध्ये सीए सीएस क्लॅट आयपीएम जून मध्ये बॅचेस सुरू होतील, कॉमर्सच्या आणि आर्ट्सच्या यूपीएससी एमपीएससी फाउंडेशनच्या बॅचेस 11वी 12वी आर्ट्स हे जून मध्ये, कॉमर्स आणि आर्ट्स जून मध्ये सुरू होतील, सायन्सच्या सिलेबसची व्याप्ती थोडी जास्त आहे, ते 11 एप्रिललाच बॅचेस सुरू होतील. आयआयटी नीट साठी दोन प्रकारच्या बॅचेस, फास्ट ट्रॅक आणि नॉर्मल. पहिले 3 महिने बॅचेस सेम असतील, 3 महिन्याच्या परफॉर्मन्स नुसार विद्यार्थ्यांना, काही विद्यार्थी फास्ट ट्रॅक मध्ये जातील, काही नॉर्मलला जातील. फास्ट ट्रॅक वाल्यांचा सिलेबस 15 महिन्यात पूर्ण होईल, नॉर्मल वाल्यांचा 18 महिन्यात पूर्ण होईल. गेली वर्षभरात आमचे जे विद्यार्थी आहेत, मागच्या 2 वर्षामध्ये शर्विल भावसार आयआयटी इंदोरला लागला, अस्मिता बबचडे आयआयटी वाराणसीला लागली, इंद्रजित गरसे ट्रिपल आयटी अलाहाबाद, नचिकेत जायभाई एनआयटी गोवा, पार्थ सोमानी ट्रिपल आयटी नागपूर, हर्षल सोमानी ट्रिपल आयटी पुणे, शिरंगीकर ट्रिपल आयटी पुणे, अंशुल काबरा आयआयएससी बँगलोर, कल्पेश चावरे आयसर कोलकाता, केतक कापडनीस आयसर पुणे, पण याने नीट क्रॅक करून 671 मिळवले 720 पैकी. अनुष्का अनिल बोर्डे पीआयसीटी, सुजल घंटी व्हीआयटी, मी जेवढे वाचेल तेवढे कमी आहे. वेदिका सोमानी सीओईपी राईट, खूप मोठ्या. केतक नीटला 671 मार्क आहे, वैष्णवी बीजे मेडिकलला आहे 631 मार्क, शरीवगिरी जीएमसी औरंगाबादला आहे राईट. एनडीएचे हे रिझल्ट आहेत. एम्सला गौरी शिंदे, एम्स नागपूरला लागली आहे राईट. त्याशिवाय आर्किटेक्चर नाटाच्या जेई पेपर 2 च्या परीक्षा देऊन एसपीए दिल्ली, कमला रहेजा मुंबई राईट, यूपीएस देहरादून, डिझायनिंग असो आर्किटेक्चर असो एसपीए विजयवाडा राईट, रचना संसद मुंबई, अशा चांगल्या चांगल्या कॉलेजेस मध्ये आमचे विद्यार्थी गेले. आम्ही एकच सांगतो, इफ यू कॅन ड्रीम इट, जर तेवढा मोठा स्वप्न बघण्याची क्षमता निर्माण केली स्वतःमध्ये, तर तुम्ही आमच्यावर भरोसा करू शकता. इफ यू कॅन ड्रीम इट यू कॅन बँक अपॉन अस. तर अशा प्रकारची आमच्या संस्थेचं कार्य आहे. ऍडमिशन्स ऑलरेडी सुरू झालेले आहेत, हेल्पलाईन नंबरवर तुम्ही संपर्क करू शकता. या हेल्पलाईनवर तुम्ही जर संपर्क केला तर आमची कशी परीक्षा आहे, आम्ही कसं ऍडमिशन देतो, डायरेक्ट देतो, एंट्रन्सच्या द्वारे देतो, ह्या सगळी माहिती तुम्हाला मिळेल. जेएनव्हीच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही नॉर्मली डायरेक्ट ऍडमिशन देतो, एंट्रन्स एक्झाम सुद्धा देण्याची गरज नाहीये जेएनव्हीच्या विद्यार्थ्यांसाठी. ही ऍडमिशन प्रोसेस आमचे सांगळे सर, आमचे सोनोने सर तुम्हाला जेव्हाही पाहिजे समजावून सांगतील व्यक्तिगत लेवलला. त्यासाठी इथे गुगल फॉर्म मध्ये जी लिंक दिलेली आहे तो फॉर्म भरून द्यावा, आणि हेल्पलाईन नंबरवर तू फॉर्म भरता नाही आला, हेल्पलाईन नंबरवर मेसेज करा, तर माझ्या मुला मुलीला डीएससी मध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे. ऑफलाईन ज्यांना शक्य आहे त्यांनी इथे यावं, इथं हॉस्टेल मेसची खूप चांगली व्यवस्था आहे. ज्यांना ऑफलाईन शक्य नाहीये ते ऑनलाईन सुद्धा करू शकतात आमच्याकडे, म्हणजे घरचं जेवण खावण करून ऑनलाईनची मॅच करता येईल. आपलं स्वप्न जेई असो, नीट असो, रिसर्च असो, कॉमर्स असो, आर्ट्स असो, एनडीए असो, सगळ्या प्रकारच्या बॅचेस आमच्याकडे आहे. जर कोणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल तर प्लीज रेज युअर हँड, आणि काही प्रश्न नसतील तर आपण इथं थांबूया. कोण आहे का? ऋषी, हर्षल, कोणाला काही विचारायचं असेल तर प्लीज रेज युअर हँड. हॅलो, आवाज नाही करू. हा बोला सर, बोला. हा सर नमस्कार. नमस्कार सर, आम्ही मीटिंग माहित नव्हतं, उशिरा जॉईन केले, 1-2 मिनिटं झाले. सर आपण काय करूया, या मीटिंगची रेकॉर्डिंग झालेली आहे बरोबर, तेच म्हणतो. रेकॉर्डिंगची लिंक आपल्याला पाठवतो, तुमचा नंबर चॅट मध्ये पाठवून द्या,
बरोबर आहे. रेकॉर्डिंगची लिंक तुम्हाला पाठवून देऊ. नंतर तुमच्या मनात जे काही प्रश्न असतील, मी काय करा या चॅट मध्ये आमचं हेल्पलाईन नंबर, सर परत एकदा सगळ्यांना हेल्पलाईन नंबर पाठवतो, अर्शद सर आमचा हेल्पलाईन मोबाईल नंबर तुम्हाला चॅट मध्ये पाठवतो. एक SMS करा म्हणजे तुम्हाला आमचे लोक कॉन्टॅक्ट करतील. ठीक आहे. ओके सर. ओके ओके. चला अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? नाही. ठीक आहे. या संस्थेत प्रवेश घेण्यासाठी तुम्ही आमच्या हेल्पलाईनला कॉन्टॅक्ट करा. नक्कीच मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी औरंगाबाद मध्ये मुलं जर येऊ शकत असतील तर ऑफलाईन, नाही येऊ शकत असतील तर ऑनलाईन पद्धतीने तुम्हाला आमच्याकडे शिकता येईल. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र.